अनएक्सपेक्टेड साउंड्स, राइट? मतलब पैटर्न्स एंड इंस्पिरेशन तो आपके पास है ही, जो भी VST है वहां से आप साउंड लोगे। आपको ये ऑटोमेटेड सा चीज मिला है, अगर मेरे पास में ये पैटर्न है तो आई कैन डेफिनेटली राइट अ सॉन्ग, या कुछ लिरिकल आइडियाज मैं इसके ऊपर में जरूर इनपुट कर सकता हूँ एज अ सॉन्ग राइटर। आई थिंक दैट इज एक बहुत ही मजेदार सिनेरियो। ये सब कुछ चीजें हैं, आई थिंक ये लोगों को इंटरनेट पे बताते बताते सदियां और बीत जाएंगी कि ये टेक्निक्स आपको वो बता पाए कि आप ये सब चीजें कैसे अचीव कर सकते हो। बट एनीवेज, सो दिस इज काइंड ऑफ क्रेजी व्हाट लॉजिक प्रो 11 कैन डू फॉर यू। ओ, ये वीडियो हिंदी में है, जिनको पता है उनको पता है कि लॉजिक का 11 वर्जन जो है वो आ चुका है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में है, पैक्ड है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में जो सुपर बायो लिंक मिल जाएगा उसमें आपको सारी चीजों के साथ में बेटर म्यूजिशियन एवरीडे का एक हमने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें हम कम्युनिटी में आपस में आइडियाज शेयर कर सकते हैं, बातें बातचीत कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली जाकर के उसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली इसे डाउनलोड कर लिया है, थोड़े सेटिंग्स और बाकी बहुत सारी चीजें हैं उसको देखते हैं। मैं इसे ओपन अप कर लेता हूँ। नाउ ये एक सेशन है जो मैंने लॉजिक प्रो 10 में ही शुरू किया था, बट अभी 11 आते आते ऑलमोस्ट मैंने म्यूजिक वगैरह इसका फिनिश कर लिया है। एंड हियर इज दिस 11.0.0 हमारा जो है वर्जन वो चल रहा है। बिफोर आप अपग्रेड करें, आई वुड सजेस्ट कि यू नो आप जो है लाइक एप्लीकेशन एंड देन ये लॉजिक प्रो जो पहले रहा होगा उसे राइट क्लिक करके यू नो कंप्रेस वाला जो ऑप्शन है वो कर ले, ताकि आपका जो स्टेबल जो करंट वर्जन था विच वाज दिस 10.8.1 सेफ रहे। एंड इन केस आपको कुछ बग्स और कुछ ऐसी चीजें हैं और आपकी जरूरी प्रोजेक्ट्स वो फंस जाए तो यू कैन जस्ट गो बैक और यूज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि आपने ऐप स्टोर पे गए और आपको यहाँ पे अपडेट्स में या तो दिख रहा होगा या तो लॉजिक प्रो टाइप करेंगे और यहाँ पे एटलीस्ट नहीं तो ऐसे करके अपडेट्स में आया होगा। और जिन्होंने टॉरेंट से डाउनलोड किया है उनको पता है कि कॉपी पेस्ट करना है। बहरहाल आपकी मर्जी, आपके तरीके। अब बात करते हैं जो क्रूशियल फीचर्स है, जैसे कि यू नो आप कोई यहाँ इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हमने बनाया हुआ है और आप यू नो इतना सारा आपके पास में VST इंस्ट्रूमेंट है, आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड आप अगर कंट्रोल प्रेस करते हो तो आप ये सर्च कर सकते हो यहाँ पे, एंड लेट्स से ओमनीस्फीयर। ओके, ये हमें दिख गया। काश ये वाला फीचर लॉजिक अपना नेटिव सर्च में लाता, बट अगर ऐसा होता तो मेरा एक तरीके से नुकसान हो गया होता, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले आपको पता है कि ये प्लगइन खरीदा, मतलब इसका अपग्रेडेड वर्जन, जिससे ये वाला फीचर एक्टिवेट होता है। यू कैन सर्च फॉर प्लगइन्स मिक्सिंग के लिए भी, थोड़ा आपका वो फास्टर वर्क फ्लो हो सकता है, एंड प्रोडक्शन के लिए भी ऑब्वियसली VSTIs या कोई भी चीज़ यू नो सैंड इफेक्ट सब कुछ सर्च कर सकते हो। ये नेटिवली जैसे दूसरे डॉज में बिल्ट इन है, आई थिंक ये लॉजिक में भी बिल्ट इन होना चाहिए था, जो कि बहुत दुखद बात है कि नहीं है। ऑल्सो लॉजिक में अब इनबिल्ट ही जो स्टैम्प सेपरेशंस है उसका भी फीचर आ गया है, एंड दिस कुड बी रियली हैंडी। राइट क्लिक करेंगे एंड देन यू गो टू प्रोसेसिंग स्टैम्प सेपरेशन, और ये सारे अलग अलग जो है स्प्लिट में हमें मिल सकता है। ये एक मेरा पुराना गाना है, ऐसा ही मुझे एक याद आ रहा है, एक गाना था मेरे पास में विच यूज टू बी लाइक कि उसमें जो फीमेल वोकल्स थे, मतलब वो गाना ही फीमेल वोकल्स में था और वो थोड़ा सा हल्का सा यू नो उतना पावर नहीं आ रहा था। एंड अब म्यूजिक बन गया है, सब कुछ हो गया है, बट द थिंग इज कि मिक्स अच्छा हुआ है, बट जस्ट एक होता ना कि अ लिटिल नॉच, ऐसा लगता है कि यार वो फीमेल वोकल्स जो है वो थोड़ा सा ऐसा फाड़के नहीं आ रहा मिक्स को। तो आई थिंक ये एक बेहतर यूज केस हो सकता है कि अगर यू नो मैं उस वाले गाने को किसी तरीके से ऐसा स्टेम सेपरेट कर लूँ, एंड देन जो मेरा वोकल वाला जो ट्रैक निकलेगा उस तरीके से अलग से, जो कि इस केस में यू कैन सी कि ये सब सारा सारा अलग अलग निकल गया, वोकल्स ड्रम्स और वो, तो मैं उस वाले वोकल्स को थोड़ा सा अपना यहाँ पे EQ कंप्रेशन जो भी है थोड़ा इफेक्ट्स अलग से दे करके ट्रीट करके वापस से ब्लेंड कर दूँ, एंड आई थिंक आई कैन एंड अप हैविंग यू नो अ फैंटास्टिक क्या कहते हैं फाइनल मास्टर आउटपुट। 10-11 साल पुराना गाना है, बट वो गाना वाकई में बहुत अमेजिंग बना था, अपार्ट फ्रॉम कि उसका जो वोकल्स है वो कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया। नाउ
ये सारे अलग हो गए हैं, तो वी हैव इंतजार और बातों को सलामी दे रहे, मुश्किल की हो घड़ी जब नींद, इंतजार और बातों को सलामी दे रहे, मुश्किल की हो घड़ी जब नींद में नहा। आई थिंक दिस प्रिटी मच वर्क्स, है ना? एंड आजकल सुबह शाम मेरा एक ही काम है, तेरे कॉल का टेक्स्ट का इंतजार और बातों को। एंड अच्छा खासा इसने रिटेन किया है वोकल का, जो फिडिलिटी है। मतलब बेस लाइन भी ढंग से पता चल रहा है यार कि ठीक ठाक सेपरेट हो गया है। तो इस तरीके से किसी और के गाने से डेफिनेटली बेस लाइन वगैरह चुरा सकते हैं। एंड यू सी दिस, सारे अलग हो गए हैं। दिस टेक्निक वुड बी रियली हैंडी अगर कभी ऐसा किसी फिल्म के गाना से थोड़ा सा रिदम विदम थोड़ा चुरा लेना और उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी अपनी एडिशनल प्रोग्रामिंग कर दी है। यू कुड हैव अ पैलेट ऑफ वो लाइव ड्रम्स वगैरह का जो स्टाइल, जो आप यूजुअली वैसे नहीं अचीव कर पाते क्योंकि इतना सारा सेशन म्यूजिशियन आप कहाँ से लाओगे। या दैट्स इट अबाउट लाइक स्टेम सेपरेशन। ऑल्सो आपके पास लिटरली इफ यू प्रेस जी तो ये आपका ग्लोबल ट्रैक्स खुल के आया। एंड यहाँ पे एक कॉर्ड ट्रैक जो है ये आपको दिखता है, ये हमने कर लिया है। और जो आपको दूसरी चीज़ें हैं अगर नहीं चाहिए, जैसे टेम्पो ट्रैक, मार्कर ट्रैक, अरेंजर ट्रैक, तो यू कैन जस्ट स्किप देम। अब ये बात है कि यहाँ पे आप जो है अपने कॉर्ड्स जो भी है अपने गाने का और ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सिग्नेचर ट्रैक को हमने ऊपर कर दिया, कॉर्ड ट्रैक हमारा नीचे है। एंड वट एवर पहला जो भी कॉर्ड रहा होगा एफ माइनर, एंड देन अपना अलग अलग बार्स पे। ऑल्सो आई थिंक इट वुड बी हैंडी कि आप अपना कीबोर्ड्स को कस्टमाइज कर लें, जो कि मैंने किया है। एंड दिस इज लाइक अ कॉर्ड सेट की तरह तैयार हो गया, यहाँ तक आया है आपका। अगर हम इसे यहाँ पकड़ के ऐसा छोटा करना चाहेंगे तो ये ऐसा छोटा हो गया। और फिर हम इसे चाहे तो ऐसे ऑप्शन के साथ में रिपीट भी कर सकते हैं, और कमांड जेड एंड कमांड आर करके भी रिपीट कर सकते हैं। अब एडवांटेज ये जो आपका कॉर्ड ट्रैक है इसका आपको तब मिलेगा कि अगर आपने फॉर इंस्टेंस अभी ये जो सेक्शन है यहाँ पे, यू सी कि बेस लाइन चल रहा है। एंड फॉर से मेरे को ऐसा बेस बजाना नहीं आता है, और आई हैव फिगर्ड आउट जो भी कॉर्ड्स है, ये ओरिजिनल्स के लिए भी हो सकता है, आपके कवर सॉन्ग्स के लिए भी हो सकता है। सो लेट मी टर्न ऑफ द लिरिक्स एंड प्लस गो टू इंस्ट्रूमेंट, एंड यहाँ पे जाएंगे बेस प्लेयर को ऐड करेंगे, वट एवर जो भी हमको स्टाइल चाहिए वो हमने सिलेक्ट कर लिया। मे बी मॉडर्न R&B टाइप की फील वाली ले लेते हैं। क्रिएट किया हमने, ये हमको एक बेस प्लेयर जो है वो दे दिया है इसने। एंड इसको अब तो ये कुछ भी बज रहा है यहाँ पे, बट अगर हम यहाँ पे ड्रैग करें तो इधर एंड दैट्स लाइक कि ये हमारा बेस प्लेयर में हमने जो भी बेस का साउंड चुना है, ये तो हम कुछ और भी चुन सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा बढ़ा देते हैं। एंड
ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये कह रहा है कि ई वन इज द लोएस्ट नोट, हम कहते हैं कि एफ वन इज द लोएस्ट नोट। एंड नाउ अगर हम इसको अपना रिदम सेक्शन के साथ में सुने, विच इज एंड यू सी लाइक ये है मजेदार। मे बी आप ऐसा इतना तिलस्मानी बेस प्ले नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑल्सो जो थोड़ा एक्स्ट्रा फालतू का नोट्स है उसके लिए यू कैन जस्ट गो कन्वर्ट, इसको मिडी में कर दिया आपने एंड देन यू कैन से कि यार यू नो ये इसमें से ये कुछ जो नोट्स है जो यू नो ओवरलैप हो रहे हैं उसे हटा दो, जैसे ये यहाँ पे एंड इसमें से जो सा भी हमें नहीं चाहिए एंड मे बी दिस इज टू हाई, यू नो यहाँ पे होना चाहिए। एंड स्टिल ये आपका जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने ऊपर लिखा है उसे तो ये फॉलो कर ही रहा है एंड अगर यू नो एट एनी टाइम हम इसे चेंज करना चाहे कन्वर्ट टू प्लेयर रीजन एंड देन जो भी इसका जो स्टाइल है हमें जो चेंज करना है दैट वी कुड डू ऑब्वियसली। पिकअप हिट लेट बैक नहीं चाहिए हमें, एकदम टाइमिंग पे चाहिए। टेम्पो जो है हाफ टेम्पो डबल टेम्पो ह्यूमेनाइज अगर नहीं चाहिए बिल्कुल एकदम टाइट प्लेइंग करो तो दिस इज ऑल्सो फाइन। ऑटोमेटिक जो भी नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से ही अपने आप ले लेगा। हाफ टाइम बोल दोगे तो इट्स लाइक सो इट्स गोना प्ले स्लो। डायनामिक्स अगर आप बहुत ज्यादा यू नो डायनामिकली ऊपर नीचे जाते हो साउंड और अगर आप चाहते हो कि बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट टाइप का साउंड हो कम से कम डायनामिक चेंजेस हो और यू नो थोड़ा सा लेड बैक टाइप की प्लेइंग हो या यू नो थोड़ा सा फ्रंटल थोड़ा तेज तेज भागने टाइप वाली फीलिंग हो तो ये यहाँ से हमारा मैनेज हो जाएगा। सो दैट्स इट, लाइक ये है इंटरेस्टिंग ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन। ऑल्सो अगर अब हम यू नो इसी सेक्शन में हमने कीबोर्ड प्लेयर अपना अटैच किया होता एंड वी ब्रिंग दिस कीबोर्ड प्लेयर यहाँ पे इस वाले सेक्शन को ड्रैग करके, हाँ ऑब्वियसली हम ज़रूरी नहीं था कि वो ऐसे बनाते, हम यहाँ पे चाहते तो ऐसा करके पेंसिल टूल से जाके ड्रॉ भी कर सकते थे एंड यू सी वाला ठीक। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है वो पड़ा है और यहाँ वाला जो सेक्शन है, बट ये वाला सेक्शन कोई कॉर्ड्स को नहीं फॉलो कर रहा है, ये वाला सेक्शन हमारा ऊपर जो कॉर्ड्स है उसको फॉलो कर रहा है एंड देन ऑब्वियसली वी हैव लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम इसमें से भी।
सो यू गेट द आइडिया कि ये किस तरीके से मज़ेदार और कारगर हो सकता है आपके लिए दिस सेशन प्लेयर एंड दिस बेस प्लेयर. फिलहाल के लिए लेट्स म्यूट देम एंड वी सो मैनुअली आप जो करना चाहते हो आप वो कर ही सकते हो यहाँ पे. जैसा यू नो कि लॉजिक हैड सम ऑफ द बेस्ट लूप्स इन साउंड्स, यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स भी मिले हैं एंड ऑब्वियसली आने वाले टाइम में और भी अपडेट्स मिलेंगे हमको लूप्स एंड साउंड्स में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का और ये सब चीज़ों का. ऑल्सो आई थिंक एक जो चीज़ है जो ज़्यादा बात नहीं हो रहा, दैट इज़ आप यहाँ पे किसी ऐसे वाले इंस्ट्रूमेंट में ऑब्वियसली आप सेशन प्लेयर को तो ड्रॉ कर ही सकते हो, बट आप चाहो तो उसे यू नो ये सेशन प्लेयर का क्लिप भी है यहाँ पे और आप उसे मैनुअली भी कहीं प्ले करना चाहो तो यू कैन डू दैट. लाइक मतलब बोथ द थिंग्स, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत प्ले कर लो, थोड़ा आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले लो, थोड़ा आप ड्रॉ कर लो, थोड़ा आप राइट क्लिक करके लेट्स पुट अ यू नो लाइक पैटर्न रीजन और इट्स गोना गिव यू एक सीक्वेंसर. तो थोड़ा बहुत अगर आप कुछ सीक्वेंसर से बनाना चाहते हो जो कि आप पहले भी कर सकते थे, दैट यू कैन डू. सब कुछ मिला जुला करके थोड़ा अगर आप टाइम लगाओ तो आई थिंक लॉजिक इंडीड इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटिंग टूल्स. सॉन्ग राइटिंग इज लाइक लिरिक्स गाना वाना वाला बात नहीं, पूरा पूरा म्यूजिक अरेंज करने के हिसाब से भी अगर आप खाली म्यूजिक अरेंज करते हो सब फंटास्टिक टूल. ऑल्सो वाट हैज इंक्री एनहेंस्ड इज कि ये जो इनका जो साउंडस है, ये जो बेस प्लेयर है और ये जो आपका स्टूडियो ग्रैंड है, पहले के जो साउंडस थे इसमें ऑलरेडी बहुत अमेजिंग थे, बट अभी वाले जो ये जो साउंडस है वाकई में काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी अमेजिंग है. ऑल्सो इफ यू गो टू लाइक ड्रमर जो कि यू नो यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि किस टाइप के ड्रमर्स आपको वो मतलब किस टाइप का ऑप्शन मिलता है, तो ऑब्वियसली यू कैन प्ले और यहाँ से जाकर के आप यू नो ड्रमर्स का जो साउंड है वो तो चेंज कर ही सकते हो. इसके अलावा आप यहाँ से ड्रमर का जो फील और बाकी जो सारा चीज़ है वो चेंज कर सकते हो. पॉप स्टाइल का ड्रमर थोड़ा अलग स्टाइल से बजाएगा एंड देन वी हैड लाइक समथिंग लाइक दिस आई गेस. किधर गया थिंक दिस इज लाइक अमेजिंग टूल दैट यू कैन यूज़. और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, गोस्ट नोट कितना होना चाहिए, पर्कशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मेन में आएंगे तो उसका पैटर्न्स में और क्या चीज़ें, कॉम्प्लेक्सिटी उसका इंटेंसिटी कितना है, ये सब चीज़ें. ऑल्सो जब थोड़ा सा आपका प्रोग्रामिंग हो जाए और आप बोलो कि कुछ नोट्स एक्स्ट्रा है या कुछ हटाने हैं कुछ ऐड करना है तो कन्वर्ट इट टू मिडी एंड उसके बाद में यू कैन डू सो. ऑल्सो डू यू नो कि लेट्स कमांड जेड करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. डू यू नो कि आप ये ड्रम ट्रैक पे कोई थर्ड पार्टी VSTi भी डाल सकते हो. फॉर इंस्टेंस आपको ऐसे ही प्ले करना पसंद नहीं है एंड यू वांट कि आप यहाँ आएंगे एंड यू ऐड समथिंग लाइक मशीन. लेट्स टर्न इट ऑफ एंड लेट्स ऐड इट. ये हो गया किट हमारा. नाउ यू सी ही बज रहा है फिलहाल बिकॉज मशीन के अंदर में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो कम हियर ये इस वाले सेक्शन में ग्रुप के अंदर में इनपुट के अंदर में एंड देन पुट इट टू मे बी ड्रम किट वाला राउटिंग और पुट इट टू लाइक मैनुअल एंड देन चूज. सो यू कैन सी कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, यानी कि आप जो ड्रम्स का जो प्लेइंग स्टाइल है वो रियल टाइम में यहाँ से कंट्रोल करेंगे. और साउंड जो है आपका जो भी जनरेटर आप अभी फिलहाल इस केस में मशीन लिया है, बैटरी ले सकते हो, स्टालस RMX हो गया, एडिक्टिव ड्रम्स, सुपीरियर ड्रम्स, व्हाटएवर जो भी आपका ड्रमिंग वाला सॉफ्टवेयर आप अलग अलग इस्तेमाल करना चाहो, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में ऑब्वियसली आपको अलग VST है जो थोड़ा सा बेहतर साउंड दे जाता है. कॉन्टैक्ट का कोई लाइब्रेरी हो सकता है ड्रम्स का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो मे बी, पर आप ट्रिगर यहाँ से कर सकते हो. इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़ जो है वो आप यहाँ से उठा सकते हो. आपने यहाँ से जा करके अपना यू नो ड्रमर चेंज किया एंड ये आप बुरी बात ये हुई कि
हमारा जो मशीन प्लेयर है वो भी यहाँ से हट गया है, और जैसे कि पैटर्न भी जो है वो भी चेंज हो जाता है। वापस से लोड कर लेते हैं। हिट चेंज, अनएक्सपेक्टेड साउंड्स, राइट। मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक ये लोगों को इंटरनेट पे बताते बताते सदियां और बीत जाएंगी कि ये टेक्निक्स आपको वो बता पाए कि आप ये सब चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हो। बट एनीवेज, एक चीज़ जो है कि यहाँ पे ऑब्वियसली आपने ये कीबोर्ड और ऐसा चूज़ किया है, एंड आप कीबोर्ड का भी इसी तरीके से जो यहाँ पे पियानो वाली जो इनकी VST है जिसके अंदर अलग अलग साउंड्स है, इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप कोई भी दूसरा VST दैट यू माइट लाइक, फॉर इंस्टेंस आपने ये आर्तुरिया का पियानो लिया, और ट्रिगर जो है आपका वहां से हो रहा है। अब ऑब्वियसली यहां से बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है, कुछ भी साउंड है जो आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हो। पैटर्न्स एंड इंस्पिरेशन तो आपके पास है ही, जो भी VST है वहां से आप साउंड लोगे। आपने अपने कॉर्ड्स डाले हैं, आपको ये ऑटोमेटेड सा चीज मिला है, एंड देन ये आपने कुछ अलग सा पैच कहीं से भी लगाया है, एंड आई थिंक दिस साउंड्स रियली इंस्पायरिंग। और यूजुअली मैं तो सोच नहीं पाता इस तरीके से, तो अगर मेरे पास में ये पैटर्न है तो आई कैन डेफिनेटली राइट अ सॉन्ग, या कुछ लिरिकल आइडियाज मैं इसके ऊपर में ज़रूर इनपुट कर सकता हूँ एज अ सॉन्ग राइटर। आई थिंक दैट इज़ एक बहुत ही मज़ेदार सिनेरियो। अब एक और मज़ेदार इंटरनल जो मीडी राउटिंग वाला ऑप्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके लिए फॉर से मैंने जस्ट एक ऐसा कॉर्ड ट्रैक बना ले रहा हूँ मैं, एंड राइट क्लिक करके आप यहाँ पे, यहाँ राइट क्लिक करके आप कैसा भी एक सिंपल सा आपने कॉर्ड सेट मान लो कि आप ऐसे जनरेट कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने की अपना जनरेट, की अपना डाल दिया है कि ये Am पे है मेरा सेशन, एंड उसके बाद मैं कैसा भी सीक्वेंस ऐसा जनरेट कर सकता हूँ, और वो सीक्वेंस को जनरेट करके यहाँ पे जैसे पहले कुछ भी नहीं है मान लो, एंड मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक सेशन एक इस तरीके का वो बना लेता हूँ, और जनरेटिव है ये इस तरीके से एक मिडी ट्रैक में, एंड देन लेट्स गो टू पॉप। ये पैच चेंज वाला जो ऑप्शन है इसे ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक कीबोर्ड प्लेयर ले लेते हैं, और कीबोर्ड प्लेयर में हम ले लेते हैं सिंपल पैड्स। तो ये सिंपल पैड्स लेने से ऐसा हो रहा है कि ये जो जो Am और जिस तरीके की कॉर्ड्स आ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उस तरीके से ये कॉर्ड्स हमारा डेवलप होता जा रहा है। तो अगर हम कन्वर्ट टू मिडी करते हैं तो यू कैन सी कि एक ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर है बनता रहा है। मैं कमांड सेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, इसे डायनामिक ही रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो ये सीक्वेंस यहाँ चेंज हो जाएगा। तो अब मिडी इंटरनल राउटिंग वाला जो मुद्दा है उस पर ऐसे आते हैं। अब मैंने इस, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है नॉर्मल सा, इस पर मैंने एक ये आर्तुरिया का पिगमेंट्स वाला VSTi लगा लिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आएंगे सीक्वेंस में, तो आप ऐसे बहुत सारे इसमें सीक्वेंस ऐसे अलग टाइप के आप वो बना सकते हैं, यहाँ से रैंडमली आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो, है ना। फॉर से हम एक ऐसा ये ले लेते हैं सीक्वेंस, और अगर आप यहाँ पे जाओगे, अभी ये आवाज़ कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कुछ भी साउंड लोडेड नहीं, मैं एक साउंड लोड करता हूँ फिलहाल के लिए, बहुत बेसिक सा एक सीक्वेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा हमारा फॉर से, और
तो ये सीक्वेंसर तो चल रहा है हमारा, ऑब्वियसली बात है इंटरनल है, और यहाँ पे हम आर्कटूरिया इस पिगमेंट के अंदर में हम कोई भी साउंड सिलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप वो मिल सकते हो। मज़ेदार बात यहाँ पे आती है कि आपके पास में अगर कोई दूसरा VST भी है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने ये जो लॉजिक का है वेव एल्कमी है उसे ले लिया है, और एक ऐसा सिंपल सा मैं प्री सेट इसी के अंदर से ये लोड कर लिया मैंने कीबोर्ड के अंदर से। अब ये इसकी जो आवाज़ है इसे मैं कर देता हूँ बंद फिलहाल के लिए, ठीक। तो नाउ यू सी कि यहाँ से कोई मतलब साउंड नहीं निकल रहा है, बट जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर आप इसे वैसे नहीं ऑफ करते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा करके इसका वॉल्यूम को भी कम ऑफ करके भी रख सकते हो, तो सेम बात हुआ एक तरीके से, बट मैं जनरेटर को ही ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, मच जैजियर वे ऑफ डूइंग दिस थिंग आई गेस। एनीवेज, तो यहाँ पे जो भी हम सीक्वेंस बनाएंगे जनरेट करेंगे उसको हम चाहेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिंपली ऐसा चल रहा है वो जनरेट करे। तो ये हमने लगा लिया ये इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में, और यहाँ पे अगर आप ये देखो बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन आता है पीछे, और ये ट्रैक वाले रीजन में जाओगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन जुड़ गया है मिडी इंटरनल राउटिंग। वहाँ पे अगर आप सिंपल इनपुट लोगे किसका, ये देख रहे हो ये पिगमेंट्स का इनपुट भी दिख रहा है यहाँ पे, तो पिगमेंट्स वाले चैनल पे जो भी इनपुट आ रहा है विच इज ऑब्वियसली सिंपल कॉर्ड्स आ रहे हैं वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो यू सी लाइक मैं मिडी कीबोर्ड से नहीं प्ले कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो भी सीक्वेंस है जिस तरीके से वो वहां से जनरेट होगा, और जिस तरीके से जहां पे साउंड होगा जो भी मेरा कॉर्ड होगा ये जनरेट होगा। अब ये सीक्वेंसर का जो आउटपुट है मुझे चाहिए कि सीक्वेंस हो करके जो कॉर्ड्स मेरा जिस तरीके से साउंड कर रहा है वो आए, राइट क्लिक करके यहाँ पे सीक्वेंसर का आउटपुट पे जाएंगे, ये पिगमेंट्स का जो आउटपुट है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस वाले ट्रैक के केस में। सो नाउ यू हैव सो नाउ यू सी कि आपके पास में सीक्वेंस जो है ये यहां से मिल रहा है आपको एक जनरेटिव। ऐसे बहुत सारे और VSTIs हो सकते हैं, मे बी कुछ फ्री VSTIs भी हो सकते हैं जो ऐसे जनरेटिव सीक्वेंसेस निकालते हैं और उनका सीक्वेंस का आउटपुट भी निकल जाता हो, और अब आप इंटरनल, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये लॉजिक का ही अंदर का कोई वो करो, आप कोई थर्ड पार्टी VST ओमनीस्फियर कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो और उसके अंदर का कोई आपको बहुत अद्भुत साउंड मिला, या आर्टुरिया का कोई दूसरा VSTI है उसका अद्भुत साउंड मिला, या ये जो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते थे वो एक्सटर्नल सीक्वेंसर्स के लिए भी इस्तेमाल करते थे कि मिडी ट्रैक एक बनाया है और वहाँ से आउटपुट निकाल दिया है, और वो एक्सटर्नल सीक्वेंसर को अपने यहाँ से जो आउटपुट दे रहे हो वो चीज़ें भी करते हैं लोग। और अब ये करना ऑब्वियसली बहुत आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे जो भी आप सीक्वेंस करोगे और यहाँ पे कॉर्ड्स आप चेंज करोगे तो उसको साथ ही साथ में वो फॉलो करेगा। या दैट्स इट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इन्होंने आपको एक ये नया प्लगइन है क्रोमा ग्लो, जिसके बारे में भी काफ़ी बात कर रहे हैं लोग कि एक डेडिकेटेड डिस्टॉर्शन सैचुरेशन वाला प्लगइन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एल्गोरिदम्स, आपको जो होना चाहिए था वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज, यू नो, जब हमारे पास में मे बी आप और मैं इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हैं इन थिंकिंग ऑफ यू नो कॉर्ड्स फॉर से, या हमें कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, और आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे किसी भी तरीके से आई कैन जस्ट गेट लाइक फॉर से यहाँ से आई गेट सम सॉर्ट ऑफ कॉर्ड इंस्पिरेशन, और अगर मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल पाता, सो दैट वुड हैव बिन एक्चुअली ग्रेट। लाइक जैसे कि हम ये सी माइनर को ड्रैग करके यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड यू सी वी हैव दिस सी माइनर, एंड अगर हम इसको उठा करके यहाँ अपने कॉर्ड ट्रैक में भी ऐसे डाल सकते हैं और ये इसे रिकग्नाइज कर लेता, तो करेंटली ये ऐसा नहीं कर पाता है। राइट क्लिक, क्रिएट अ कॉर्ड, इट डज नॉट सीम टू डू दैट, कन्वर्ट टू सेशन प्लेयर रीजन, स्टिल इट डज नॉट डू दैट, इसको पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। ऑब्वियसली दिस टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम गेटिंग यूज टू, ऑल्सो डोंट वरी, मैं एक कॉर्ड ट्रैक को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने का क्या पॉसिबिलिटीज है क्या नहीं है, यू नो, और बेस्ट पॉसिबल तरीके से जो क्योंकि की कमांड्स फंसते हैं या वो सारी चीज़ें उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आई एम गोना पुट आउट अ वीडियो सून आफ्टर दिस,
तो यू नो आप लोग के लिए थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा आई गेस। इसके अलावा भी आपको कोई और फीचर रिक्वेस्ट है, कोई और ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कॉमेंट्स में बताओगे तो यू नो आई कैन टेक माई टाइम एंड क्रिएट वीडियोज़ अराउंड दैट एज वेल। सो ऐसे छोटे छोटे माइनर फीचर्स हैं इसमें आई थिंक और भी जो पहले से थे, जैसे कि फॉर इंस्टेंस इसका जो पिच करेक्शन जो है वो आ गया था लास्ट टाइम ही न्यूरल इंजन के साथ, जो इसके साथ में भी आपको मिलता है जो लोग अभी एडवर्टाइज कर रहे हैं। और ये ऑटो ट्यून जो इसके अंदर लॉजिक के अंदर इनबिल्ट है, ये वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। ऑल्सो ग्रेजुअली मैंने ये भी पाया था कि जो इसका जो फ्लेक्स पिच है, अगर आप मोनोफोनिक ऑडियो यानी वोकल्स वगैरह ऐसे को एडिट करते हो फ्लेक्स पिच से, इट्स समवट वेरी मच कॉम्पिटेंट टू लाइक मेलाडाइन जैसा, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल साउंड आने सा लग गया था। और जो भी आपको यू नो उसका पिच को जहाँ भी लगाना हो और उसका ड्रिफ्ट्स वगैरह सब कुछ सेट करना हो, सारे ऑप्शंस उसमें अच्छा खासा आ गया था। सो दिस इज आवर फर्स्ट टेक ऑन लॉजिक प्रो 11। आई गेस कि देयर आर एंड विल बी इंडीड और भी अमेजिंग फीचर्स इसके अंदर में, जो आई थिंक कुछ जो चीज़ें इसमें लैकिंग है शायद वो भी और ऐड होने लग जाए आने वाले टाइम में। ऑल्सो बेटर म्यूजिशियन एवरीडे डॉट कॉम पे आपको रिकॉर्डेड करिकुलम्स मिल जाएंगे, आप वहीं से जाकर के वन ऑन वन सेशंस अगर आपको बुक करने हो तो आप वो भी वहां से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप आने वाला जो 3 मंथ्स का म्यूजिक प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग वाला जो करिकुलम है उसमें इंटरेस्टेड है, उसके लिए भी आप बेटर म्यूजिशियन एवरीडे डॉट कॉम से जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होने पर आप मेरे को DM जिसे डायरेक्ट मैसेज कहते हैं आप इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे करके। इस उम्मीद के साथ कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, मैं अरिजीत सहा लेता हूं आपसे इजाजत। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरीडे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।